कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम शिवकुमार डिप्टी होंगे। 20 को शपथ ग्रहण। डीके बोले पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला पर राजी। 4 दिन की मान मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार डीके शिवकुमार मान गए। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम और डीके डिप्टी सीएम होंगे। देर रात सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके से बातचीत की। इसके बाद सीएम पद के लिए अड़े डीके तैयार हुए। इसका ऑफिशियल ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। शिवकुमार ने गुरुवार सुबह कहा, मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूं। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्व भी पहुंचेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। इससे पहले राहुल और खड़गे की सिद्धारमैया और डीके के साथ 2 मीटिंग्स बेनतीजा रही थी। शिवकुमार 50-50 फॉर्मूले पर राजी हुए हैं। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाद के 2.5 साल डीके, यानी डीके लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अब कर्नाटक का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका नाम तय नहीं है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।